आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जो अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर साल 12 फरवरी को संपूर्ण कलीसिया संत गाउडेंटियस का पर्व मनाती है। संत गाउडेंटियस का जन्म इटली देश के ब्रेसिया शहर में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा संत फिलात्रियस से ली थी। संत गाउडेंटियस एक सरल और सादगी भरे व्यक्ति थे जो अपना जीवन कपडोशिया के मठ में व्यतीत करने लगे। जब ब्रेसिया शहर के धर्माध्यक्ष की मृत्यु हुई, तब वहां के लोग चाहते थे कि संत गाउडेंटियस वहां के धर्माध्यक्ष बने, लेकिन वह यह पद त्याग देना चाहते थे। परंतु संत अम्ब्रोस के कहने पर उन्होंने यह पद को स्वीकार किया और ब्रेसिया शहर के धर्माध्यक्ष बन गए। जब वे पवित्र देश जाकर लौट रहे थे, तब उन्होंने संत योहान बपतिस्ता, प्रेरितों और 40 शहादत लोगों के स्मारक चिन्ह वे लेकर आए और उन्होंने इटली के गिरजाघर में रखवाया। संत गाउडेंटियस के विषय में एक और बात बहुत प्रसिद्ध है। जब संत योहान क्रिसोस्टम को देश निकाला दे दिया गया था, तब स्वयं संत गाउडेंटियस ने राजा के पास जाकर देश निकाला हटवाने की बात की थी। संत गाउडेंटियस अपने प्रवचनों के लिए काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं और उनके पास्का के 10 प्रवचन बहुत ही लोकप्रिय हैं। संत गाउडेंटियस ने अपना संपूर्ण जीवन मठों के विकास के लिए लगा दिया। संत गाउडेंटियस की मृत्यु लगभग 427 ईस्वी में हुई थी। तो आइए, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम संत गाउडेंटियस के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी उत्साह के साथ ईश्वर के वचन को निरंतर फैलाएं।